मेरे बाल ना काफी ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं। अब देखिए एकदम झाड़ू जैसे हो गए हैं नीचे से। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज का वीडियो ना काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ हाउ टू अप्लाई ऑयल ऑन हेयर। एंड वो भी आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, स्टेप बाय स्टेप गाइस। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड कि सही तरीका क्या है तेल लगाने का बालों में, तो डेफिनेटली कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आई थिंक बिना देर करें चलो शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आपको मैं थोड़ी बहुत अच्छी लगती हूँ तो फिर आप मुझे देखते भी आ रहे हैं बट अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग सो फार टिल नाउ, और कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक अगर आपको हेल्पफुल लगे। तो चलो बिना देर करें शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपके बाल ना काफी ज्यादा टूटते हैं, मतलब जब आप ऐसे थोड़ा सा करते हैं काफी ज्यादा निकल जाते हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, या फिर आपके बाल केमिकली ट्रीटेड है, देन ये वीडियो तो आपको सच में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ऑयलिंग एक ऐसी चीज है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमारे बालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ही सालों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है एंड हम आज भी फॉलो करते हैं। बीइंग इन अ न्यू जनरेशन, हर कोई इस चीज को फॉलो करता है एंड ऑफ कोर्स दैट इज ऑयलिंग। सो अगर आप अपने बालों में स्पा देना चाह रहे हैं तो भी ऑयल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे बाल ना काफी ज्यादा ड्राई हो गए थे एंड इसलिए मैं चाहती थी कि एकदम सॉफ्ट और अच्छे हो जाए बिना किसी हीटिंग ट्रीटमेंट के या फिर बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के। तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों में स्पा कैसे दे सकते हैं बाय यूजिंग ऑयल। उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल भी दूंगी कि कैसे ऑयल अप्लाई करना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे जो ऑयल यूज करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू यूज ममाअर्थ का ब्रिंग आमला हेयर ऑयल, और सेकेंड ऑयल मेरे पास यहाँ पर है अनियन हेयर ऑयल बाय ममाअर्थ। सो ऑफकोर्स अनियन आर बेस्ट फॉर अवर हेयर, सबको पता है। तो अगर आपको हेयर फॉल है ना तो फिर आप इनका अनियन हेयर ऑयल ट्राई कर सकते हैं, बट सिंस मुझे स्पा देना है बालों में तो मैं ट्राई करने वाली हूँ ब्रिंग आमला हेयर ऑयल। और इस ऑयल में ना ब्रिंगराज एंड आमला है, तो आमला तो बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। दिस पर्टिकुलर ऑयल इज मेड फॉर इंटेंस हेयर ट्रीटमेंट, तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू यूज इट। और गाइस, ये ऑयल ना 100% नेचुरल है, तो अगर आपके केमिकली ट्रीटेड हेयर है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस वन आउट, बिकॉज मेरे स्मूथेंड हेयर है और जब मैं इसे ट्राई करती हूँ ना बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मेरी स्मूथनिंग को ना काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो मेरे बाल अब रफ होने लग गए, बट आफ्टर यूजिंग दिस ओ माय गॉड माय हेयर रियली टर्न्स आउट सो वेल, एकदम सॉफ्ट एंड लेस फ्रीजी लगे मुझे इसको यूज करके, तो ये बहुत ही अच्छा है। और सो ममाअर्थ में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, द एग्जैक्ट जियोलोकेशन पिक्चर्स एंड द स्पीशीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। सो देखा आपने, आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का भी काफी ज्यादा फायदा कर। ऑफ कोर्स द बेस्ट थिंग इज आल्सो दैट इट इज प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड एंड इंडियन ब्रांड। यार अब हम सब लोग इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, सो ममाअर्थ तो नंबर वन है। तो चलिए हम लोग एक दिन पहले चलते हैं कि मैंने ऑयल कैसे लगाया, तो मैंने पूरा प्रोसीजर आपको उसमें समझाया है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। सो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ इंटेंस हेयर ट्रीटमेंट ब्रिंग आमला हेयर ऑयल, और इसको लगाने का बेस्ट तरीका ये है, अगर आप खुद से लगा रहे हैं तो यहाँ पे ना नॉब दिया हुआ है, तो नॉब की वजह से आपको ना आपके जड़ में एकदम अच्छे से तेल चला जाएगा और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वेयर एज मेरे पास एक और तरीका है जो मुझे बहुत पसंद है हेयर ऑयल लगाने का, दैट इज़ थ्रू दिस वन। तो जब मुझे आलस आता है तो मैं सीधा इस नॉब से लगा लेती हूँ, और जब मेरे पास टाइम होता है मुझे अच्छा खासा हेयर ट्रीटमेंट स्पा घर पे खुद से करना होता है तो फिर मैं ये वाला मेथड फॉलो करती हूँ। वेयर एज मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे कॉटन बॉल लिया है और एक बोल लिया है, आप भी सेम चीज़ कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू टेक ऑयल अपने बाल के हिसाब से आप ले लीजिए कितना आपको लगाना है। सो दिस मच आई एम टेकिंग। इधर आप इसे गर्म कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे लगा सकते हैं। जब मैं कटोरी में निकाल के लगाती हूँ तो मैं स्पा के तरह से इसे यूज करना चाह रही हूँ। आई एम गोइंग टू टेक दिस अप एंड कीप इट इन माइक्रोवेव फॉर 30 seconds, सो ये थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। तो गाइस, मेरे बाल ना काफी ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं, आप देखिए एकदम झाड़ू जैसे हो गए हैं नीचे से। एंड जब बहुत टाइम तक हम अपने बालों में ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, लाइक मैं तो हर 15 दिन में प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने बालों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर दूँ। यूजुअली आई डू ऑयलिंग एवरी वीक, बट जब थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ना ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। एंड अब आपको क्या करना है, इधर आप अपने फिंगर के टिप डिप करके लगा लीजिए या फिर एक कॉटन बॉल ले लीजिए। कॉटन बॉल मैं इसलिए लेती हूँ बिकॉज कॉटन ना सोक कर लेता है तेल को, तो जब आप इसे जड़ों में लगाएंगे तो आपका ऑयल बहुत ही अच्छी तरह से होगा और कहीं ना मैसी नहीं होगा, मतलब ड्रिप नहीं होगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आपको ये मांग फाड़ फाड़ के लगाना है। सो वार्म ऑयल होने की वजह से ना एक और फायदा होता है कि
जो हमारी जड़ें होती हैं वो खुल जाती हैं वार्म ऑयल लगाने की वजह से, क्योंकि आप बालों में थोड़ा सा भी गर्म डालते हैं तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, एंड पोर्स ओपन होने से क्या होता है कि आपका ऑयल एकदम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा जड़ में, एंड उससे आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा एंड आपके बालों को बहुत ही अच्छा नरिशमेंट मिलेगा, आपके बालों में जो भी हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो तक टैकल हो जाते हैं। सो ऑफकोर्स इसमें आंवला है और मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की ज़रूरत है कि आंवले के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, बिकॉज आंवला सच में यार बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। तो मैं यहाँ पर ना अच्छे से अप्लाई कर लूँगी कॉटन में, और आप देख सकते हो कॉटन एकदम सोक अप हो जाता है जब हम ऑयल लगाते हैं, तो आप हल्का सा ऐसे लगाते जाइए और उस एरिया को थोड़ा सा मसाज करते जाइए ताकि आपके स्कैल्प ना उसे एकदम एब्जॉर्ब कर ले और पी ले। सो मैं इसी तरह से अपने पूरे बाल कवर कर लूंगी। प्लस मामाअर्थ सुपर नेचुरल 100% नेचुरल डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड दिस इज सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स, आपके भले ऑयली स्कैल्प हो या ड्राई स्कैल्प हो तो भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। Now here I would like to address guys कि आपने देखा कि मैंने ना कुछ भी ऑयल यहाँ पे नहीं लगाया है। What usually people do, मैंने notice किया है, even हमारी दादी नानी मम्मी लोग भी यही करते हैं कि वो स्कैल्प पे तो तेल लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा तेल लगा देते हैं। नेवर एवर अप्लाई ऑयल हियर, बिकॉज जब आप शैम्पू करते हैं आप इन बालों को, फिर आपको ऐसे रब करके धोना पड़ेगा और ये बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट अप्लाई ऑयल हियर, बट डेफिनेटली यू कैन अप्लाई हेयर मास्क बट नॉट द ऑयल। सो अभी आपको क्या करना है, आपको इस तरह से अपने फिंगर्स को ओपन करना है। यू जस्ट हैव टू पुट फिंगर्स इन टू द स्कैल्प, मेक श्योर कि आपके फिंगर टिप्स ना स्कैल्प को टच करें, एंड यू हैव टू मसाज जेंटली, ऐसे ऐसे धीरे धीरे से मसाज करिए। आप हेल्प ले सकते हैं इधर अपने मॉम की या जो भी आपको चम्पी दे सके, फिलहाल मेरे यहाँ पे कोई भी चम्पी नहीं दे सकता और हम बहुत सारे लोग अकेले भी रहते हैं, तो फिर इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे तेल लगा सकते हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले ऑयल लगाने का। आप बस आंखें बंद करिए और हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में यू हैव टू मसाज। सो इफ यू सी आई एम नॉट स्क्रैचिंग लाइक दिस, बट मैं हल्के हल्के फिंगर से लेकर ना ऐसे ऐसे मसाज कर रही हूँ। सो इससे क्या होगा, जो भी आपने ऑयल लगाया, बिकॉज आपकी जड़ें तो ऑलरेडी खुल चुकी हैं, तो वो ऑयल ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा जड़ों में, और जैसे कि मैंने आपको बताया इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपके बाल एकदम ज़्यादा ग्रो करते हैं और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिससे आपको हेयर फॉल नहीं होता है, आपके हेयर प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। तो आई रिमेंबर मेरे को ना मतलब किसी का भी कॉम्ब सूट नहीं करता है, सो व्हेन आई वाज कॉम्बिंग मुझे हल्के से दाने आ गए थे, एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑयल हॉट ऑयल ओ माई गॉड इट हेल्प्ड मी सो मच, सारे इन्फेक्शंस बैक्टीरिया किल हो गए ऐसा लगा मुझे, बिकॉज नेक्स्ट वन डे में ही मुझे ऐसा दिखने लग गया था और बिल्कुल भी इचिंग बंद हो गई थी। सो येस डेफिनेटली इट हेल्प्स यू विथ एनी काइंड ऑफ हेयर प्रॉब्लम्स। ये वाला पर्टिकुलर ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रे बाल अगर आपके हो रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करता है, आपके बाल ग्रे नहीं होंगे, एंड आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। मसाज कंप्लीट होने के बाद मैं बालों को यू नो एक बन बना लूंगी, या फिर आप बालों को गूथ सकते हैं, गूथने से कहते हैं कि हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। तो यस इसके बाद मैं इसे ओवरनाइट रखूंगी बिकॉज आई एम शूटिंग अ डे बिफोर, और ताकि मैं आपको आफ्टर रिजल्ट्स दिखा पाऊँ। सो जब मुझे डीप कंडीशनिंग चाहिए होती है, सो आई यूजली ऑयल यू नो एक नाइट पहले, तो नेक्स्ट डे अगर वॉश करते हैं तो बहुत ही अच्छा कंडीशनिंग मिल जाता है। नेक्स्ट डे सो गाइस देखा आपने मेरे बाल ना सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। मैंने कल ही ऑयल लगाया था, आज धोया, और आप देख सकते हैं मतलब काफी ज्यादा संभले हुए बाल हैं, एकदम लहराते हुए लग रहे थे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ना नॉर्मल ड्रायर भी यूज नहीं करती हूँ बिकॉज बाल उससे काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो मैं उसे एयर ड्राई होने देती हूँ, एंड आप देख ही सकते हैं कितने ज्यादा लहराते हुए एकदम अच्छी सी शाइन आ गई है। तो डेफिनेटली इस तरह से अगर आप स्पा करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे आपके बाल। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू बाय मामाअर्थ का हेयर ऑयल, सो गाइज यू कैन यूज माई मामाअर्थ कोड वाओपूजा20 टू गेट 20% ऑफ ऑन मामाअर्थ वेबसाइट, लिंक विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, कोड एंड एवरीथिंग। गाइज मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन मामाअर्थ, अमेजॉन, पर्पल, नाइका, सो बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाके परचेज कर सकते हैं।
आई होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड मिली होगी कि आप किस तरह से तेल अप्लाई कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल था, आई होप सब लोग कर सकते हैं. सो यस गाइज, दिस वाज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज एंड आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, आपको हेल्प हुई होगी. तो इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. और अगर आप यूज करें तो मुझे कॉमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको कौन सा वाला ऑयल पसंद आया. मुझे तो सबसे ज्यादा ब्रिंग आंवला पसंद आया है, लेकिन अगर आपको हेयर फॉल है तो आप अनियन वाला भी ट्राई कर सकते हैं. बट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो एंड अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं अगर मैं यूट्यूब के कॉमेंट्स पे रिप्लाई नहीं करूँ तो. आई थिंक इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.